अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। मैं प्रेजेंट हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, आप लोग बहुत परेशान थे कि दैट पेपर पैटर्न किस तरह होगा, मिड टर्म्स होने वाले हैं, एग्जाम्स की डेट आप लोगों को पता चल चुकी होगी कि रमज़ान के बाद ईद के बाद डेट आ गई है मिड टर्म की। तो आप लोगों को बताने वाली हूँ कि पेपर पैटर्न किस तरीके से होगा, किस तरह आपने अटैम्प्ट करना है। इस वीडियो में मैं रूटीन स्पेसिफिक डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि उसके लिए इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बना दूंगी। इफ़ यू गाइस कमेंट कि आप लोगों को ज़रूरत है रमज़ान में एक स्टडी रूटीन की, तो आई विल मेक इंशाल्लाह। ऑल द पास पेपर आप लोगों को मिल गए होंगे, देखा होगा आप लोगों ने पास पेपर से आइडिया हुआ होगा, बट फिर भी एक कन्फ्यूजन होती है दिमाग में, ज़ाहिर फर्स्ट टाइम होता है, तो आई एम गोना डिस्कस अबाउट दैट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सब्सक्राइब बीटा ब्रेन, वेरी गुड। पहली चीज़ तो सबसे पहली होगी कि पेपर में पैटर्न किस तरह होता है। पेपर पैटर्न हमारे मिड्स का जो है 30 मार्क्स का पेपर होता है, वैसे हमारे टोटल 100 मार्क्स होते हैं पूरे सेमेस्टर के। तो इसको हमने मतलब ऑब्वियसली हमारे डिपार्टमेंट में दो चीज़ों में, दो एग्जाम्स में डिवाइड हुए होते हैं, मिड टर्म के एग्जाम 30 मार्क्स के और फाइनल एग्जाम 75 मार्क्स के। एग्जाम में हमारे पास MCQs होते हैं और SEQs होते हैं। अगेन आई रिमाइंड यू कि मैं DCOP के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, दूसरे डिपार्टमेंट में समहाउ थोड़ा बहुत डेविएट हो सकता है, जैसे बहुत सारे अदर डिपार्टमेंट्स के SEQs नहीं होते, उनके सिर्फ VCQs ही होते हैं, बट DCOP वाले BCQs, MCQs के साथ साथ SEQs भी अटैम्प्ट कर रहे होते हैं। दूसरी बात, आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी। आप लोगों की टीचर ने आप लोगों को बता दिया होगा कि पेपर आपका जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, आपने उसका जितना मिनिमल आंसर आप दे सकते हैं आपने वो देना है। हाँ, अगर आपके पास वन लाइनर भी आंसर है, कॉन्सेप्चुअल आंसर है, आपने वो लिखना है। आपने पूरा बैकग्राउंड, पूरी इंट्रोडक्शन, पूरी हिस्ट्री नहीं देनी, जैसे कि हम इंटर में करते आए हैं। ऑल्दो हम इंटर में हेडिंग डालते थे, हेडिंग के बाद उसका आंसर डिस्क्राइब करते थे, टाइप्स बताते थे, देयर आर फोर टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी। इफ द क्वेश्चन इज हाउ दिस वर्क्स या वॉट इज़ द मेकैनिज्म, तो आपने सिंपली मेकैनिज्म शॉर्ट वर्ड में या तो लाइने बनाकर आप लिख दें, जिस तरह आपको समझ में आता है आपने वैसे लिखना है। मार्क आपके कॉन्सेप्ट के होंगे, आपकी वर्डिंग्स के, आपके वर्कैप्स के, आपके टेंसेस के नहीं होंगे, आपके कॉन्सेप्ट के होंगे। तो पहली बात आपने ये याद रखनी है। दूसरी बात आपके पास ये होगी कि आपने तैयारी किस तरह करनी है। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि बुक से पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें, वर्डिंग किस तरीके से हो सकती है, हम गूगल कर सकते हैं, गूगल की हेल्प ले सकते हैं, या फिर हमें टीचर के लेक्चर स्लाइड के अलावा कहाँ से पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें छोड़ दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। टीचर ने लेक्चर स्लाइड दी है आपके लिए, इंपॉर्टेंट आपकी लेक्चर स्लाइड ही है। टीचर जो क्लास में एक्सप्लेन करती हैं, सेकंड प्रायोरिटी आपकी उसकी है। आपने क्लासेस ली हैं, आपके पास एक्सप्लेनेशन होंगी जो कि टीचर की स्पेसिफिक, उनकी अपनी एक्सप्लेनेशन होंगी, आपने वो राइट नोट डाउन की होंगी, तो आपने उसका सम अप एंड प्लस योर लेक्चर, जो लेक्चर में टीचर ने डिस्क्रिप्शन दी हुई है, जो भी लिखा हुआ है, आपने वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर भी आपके पास टाइम होता है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप बुक का रेफरेंस लें, ज़रूर बुक पढ़ें, बुक पढ़ने से नो डाउट कॉन्सेप्ट बनते हैं। लेकिन बुक भी आपने वो वाली पढ़नी है जो टीचर आपको रेफर कर रहा है, जाहिर आपकी लेक्चर स्लाइड जिस बुक से बनाई है उन्होंने वो रेफर करेंगे, तो आपने उसी बुक से पढ़ना है। नेक्स्ट चीज़ के पेपर अटेम्प्ट जब हम करेंगे तो पेंसिल से नहीं करना, इंक पेन, ब्लू इंक पेन से करना, ब्लू इंक पेन से करना है। पहले जब मेरा न्यू ईयर था तो हमें नहीं पता था और ना ही हमारे एडमिट कार्ड पे मेंशन था, अब तो शायद आपको एडमिट कार्ड मिलेगा तो उस पर मेंशन भी होगा दैट अटेम्प्ट ब्लू इंक पेन। बहुत सारे बच्चे पेंसिल से भी करते हैं, पेंसिल से भी कोई करना कोई गुनाह नहीं है, नहीं कर सकते आप, लेकिन ये होता है कि पेंसिल कहीं लाइट हो जाती है, कहीं डार्क हो जाती है, कुछ ऐसा मसला हो सकता है, तो ब्लू इंक पेन इज मोस्ट प्रेफरेबल। ब्लू बॉल पेन भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यूज़ करती हूँ ब्लू इंक पेन, तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी आप ब्लू इंक पेन यूज़ करें। अगर बात करें फाइनल एग्जाम्स की, तो फाइनल एग्जाम में हमारे पास एक डिज़ाइन हुआ हुआ पेपर आता है, जैसे आप लोगों को याद होगा 5th ग्रेड 4th ग्रेड में जब हम थे तो एक पेपर होता था जिसमें क्वेश्चन होते थे, क्वेश्चन के बाद 3 लाइनें दी हुई होती थी टीचर ने और फिर सेकंड क्वेश्चन होता था, यानी बीच में उसी जगह पर आपने आंसर लिखना था, बिल्कुल एग्जैक्टली आप समझिए आप 5th क्लास के बच्चे हैं और आपके फाइनल पेपर इसी तरीके से होने वाले हैं। लेकिन मिड में ये होता है, मिड के एग्जाम्स में हमें डिज़ाइन हुआ हुआ पेपर नहीं मिलता, बल्कि एक क्वेश्चन पेपर के फॉर्म में MCQs और कुछ SEQs की फॉर्म में हमें मिल जाता है और हमें एक ब्लैंक पेपर मिलता है, हमें उसमें सॉल्व करना पड़ता है। आप लाइनें बना लो ना बनाओ, क्योंकि बिल्कुल ब्लैंक होता है, आप उसमें लिखते जाते हैं। तो स्टिल आई विल टेल यू कि आपने बड़ी बड़ी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी, आपने जितना प्रेसाइज फॉर्म में आंसर आप लिख सकते हैं आपने उतना लिखना। आपकी टीचर भी ये बात आप लोगों को बहुत ज़्यादा बता रही होंगी, दिस इज नॉट अबाउट कि आप हेडिंग डालकर बड़े बड़े पैराग्राफ लिखना शुरू कर दें, अपनी बातें बड़ी बड़ी करके जितना बड़ा होगा टीचर को उतना पसंद आएगा, हो सकता है पसंद आ भी जाए, लेकिन टीचर आप लोगों को भी बता रही होंगे और उन्होंने हमें भी यही बताया था कि आपने शॉर्ट आंसर लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में आंसर लिखने हैं। MCQs में बेस्ट ऑप्शन आपने चूज़ करना होता है, जैसे कि हमने MCAT में भी देखा था कि बहुत सारे ऑप्शन सही करेक्ट होते हैं, बट हम बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी है कि आपने बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। SEQs में आपने प्रिसाइज आंसर लिखना है, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जानी, जो चीज़ पूछी गई है उसका मैकेनिज्म। आई रिपीट, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, के कॉन्सेप्ट मैटर करता है, वर्डिंग मैटर नहीं करती। आप कॉन्सेप्चुअल आंसर देंगे, आपकी जो चीज़ पूछी गई है आप उसका कॉन्सेप्ट देंगे, पूरे पूरे पैराग्राफ नहीं लिखेंगे। सो मैंने कोशिश की कि सारे पॉइंट्स, सारी डिटेल्स यहीं पर दे दूँ, बट स्टिल एनीथिंग बॉदर यू, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन कॉमेंट बिलो, तो मैं उसे ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।